रूस ने यूक्रेन पर हमले अब और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में हाउस ऑफ कल्चर पूरी तरह से तबाह हो गया। खार्किव के लोजोवा शहर में बने हाउस ऑफ कल्चर पर रूस ने मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद धमाके के साथ धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छा गया। बताया गया कि हमले में 11 साल के एक बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। से रॉकेट बरसते दिखे। पुतिन की फौज ने दावा किया कि उसने आसमानी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया, और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें Mi-28N हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में हमले के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। वहीं जैसे ही वो अपने टारगेट के पास पहुंचा, उसने आसमान से रॉकेट की बारिश शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर ने कुछ मिनटों में कई रॉकेट दागे, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि जमीन पर कई धमाके होते दिखाई दिए। पुतिन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, और जिस Mi-28N हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रूसी फौज ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसकी गिनती रूस के सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है, और इसे खास तौर पर जंग के मैदान के लिए ही बनाया गया। ये हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमले के लिए उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, दिन के साथ रात में भी ये अपने टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखता है, और इसमें लगी गन से कई तरह के छोटे बड़े रॉकेट दागे जा सकते हैं, जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। इस बीच यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना के सैनिक शहर के कुछ लोगों को बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर ले जाते दिखे। दावा किया गया कि यह वीडियो उसी बुचा शहर का है जहां कुछ दिनों पहले नरसंहार हुआ था, और यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने युद्ध के बीच आम लोगों को निशाना बनाया। सामने आए वीडियो में दो सैनिक सड़क से 9 लोगों को बंदूक की नोक पर ले जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये रूस के जवान थे और वो यूक्रेन के इन लोगों को मारने के लिए एक इमारत में ले जा रहे थे। वीडियो में सैनिकों के साथ सभी लोग सिर के पीछे हाथ रखकर गर्दन झुकाए नजर आए। वहीं उनके पीछे एक और जवान बंदूकें ताने दिखाई दिया, जो आगे चलने का इशारा कर रहा था। बताया गया कि इसके बाद रूसी सैनिकों ने सभी को एक बिल्डिंग में ले जाकर गोली मार दी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को 3 महीने होने वाले, और इन 3 महीनों में यूक्रेन के कई इलाके तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पुतिन का यूक्रेन में सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना भी रूसी फौज को हर मोर्चे पर टक्कर दे रही है। इस बीच यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें तोप से जोरदार गोले बरसते नजर आए। ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने भारी बमबारी कर रूस की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। जो वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया उसमें उसकी सेना की कई तोप एक साथ खड़ी दिखाई दी। इसके बाद जैसे ही हमले का इशारा मिला, एक तोप से गोला दाग दिया गया। इसके बाद तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक एक